हे गाइस, वेलकम टू हैप्पीनेस इज हियर। गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि बहुत दिन हो गए आपका फिटनेस पे कोई वीडियो नहीं आया। हाँ, बहुत दिन हो गए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी, घर पे रेनोवेशन का काम भी चल रहा था, तो इतना टाइम नहीं निकाल पाए फिटनेस पे बनाने के लिए। लेकिन आज फाइनली मैं लेके आई हूँ फिटनेस पे वीडियो, और वो ऐसा मजेदार तरीका है जो आप सब लोग जानते हैं, और आई एम श्योर कि आप में से लगभग 95% लोगों ने तो अपने बचपन में ये काम जरूर किया है। और वो क्या है? स्किपिंग। यस, किया है ना आपने स्किपिंग अपने बचपन में? तो चलें आज एक बार फिर से बचपन की यादों को ताजा किया जाए और साथ में फिटनेस भी हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आप लोगों को स्किपिंग करने के कुछ तरीके बताऊंगी जो मुझे आते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं बताने वाली हूँ उनके अलावा, तो आप इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आप 10 मिनट भी स्किपिंग के लिए देंगे अपने आप को, तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज होगा और इससे आपके लेग्स के मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होंगे। तो फर्स्ट टाइप है, वो बहुत ईजी है और आप सबको करने में बहुत मजा आएगा। हाँ ना, ये मजेदार तरीका। अब हम करेंगे सेकंड टाइप। ये सेम ऐसा ही है लेकिन थोड़ा फास्ट है। दूसरा तरीका, बस ये फास्ट था और पहले वाला थोड़ा स्लो था। तो आप लोग स्लो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे आपका स्टैमिना बने तो ये फास्ट तरीका अपना सकते हैं। तो अब थर्ड टाइप करते हैं। जो फर्स्ट था वो हमने क्लॉकवाइज किया था, और जो अभी थर्ड हम करने वाले हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, लेकिन फुट मूवमेंट सेम रहेगी। अभी बारी है फोर्थ टाइप का। जो फोर्थ टाइप है वो ही स्लो स्लो ही फुट मूवमेंट रहेगा, लेकिन जैसे चला जाता है उछल उछल के, उस तरह से है। आप देखिए कि मैं कैसे करती हूँ और फिर ट्राई कीजिए। अभी बारी है फिफ्थ टाइप की, और जो फिफ्थ टाइप है वो फोर्थ की तरह ही सेम है, लेकिन फोर्थ टाइप में हम लोग एक ही जगह खड़े होकर स्किपिंग कर रहे थे, और फिफ्थ टाइप में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। इसमें बहुत मजा आता है। बताना भूल गई, एक्चुअली जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड एक जैसा किया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही सेकंड टाइप का भी एंटी क्लॉकवाइज होता है, तेज तेज उल्टा उल्टा, तो वो मैं बताना भूल गई थी। तो सिक्स्थ टाइप अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये थे स्किपिंग करने के 6 तरीके जो मुझे आते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उसमें पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है, 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर्स हो। मुझे तो स्किपिंग करने में बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने भी वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा, और आप लोग भी स्किपिंग जरूर ट्राई कीजिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स
एक दिन में। इससे आपका वेट बहुत जल्दी लूज होगा और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे हमारे लेग्स के मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी एडवाइस कर सकते हैं कि हर रोज रस्सी कूदा करें जैसे आपने अपने बचपन में इंजॉय किया है। तो अभी मैं एट लास्ट यही कहूंगी कि हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और एंजल एंजल आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे? एंजल जी तो अपनी मस्ती कर रही है, मस्ती है ना। और नित्यम क्या कर रहा है? उसको संभाल रहा है। नित्यम उसको संभाल रहा Angel. है। और ये हमारे कैमरामैन है। तो गाइस प्लीज हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहें। आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम लोग वीडियो शूट करने के लिए पार्क में आए हैं, तो नित्यम बहुत देर से जिद कर रहा है कि जल्दी वीडियो शूट करो, मुझे झूले झूलने हैं, खेलना है। और एंजल को भी पता है कि यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, तो वो भी बार बार उस तरफ ही भाग रही थी। तो हम लोग अभी जाने लगे हैं झूलों की तरफ।